तो अभी मैं आ गया हूँ कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी ग्लासगो में, और अब क्योंकि मुझे इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पता है नहीं, तो मुझे लगेगा एक ऐसा इंसान, एक ऐसा स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ता है और जो आपको इनके बारे में बता सके। तो आई हैव अ फ्रेंड विद मी, स्मिथ। कैसे हो? बस बढ़िया। तो ये हमें पूरा टूर देंगे, हमें बताएंगे कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या है जी। और कौन से सारे कोर्सेज जो हमें करने चाहिए और क्या सीन है यूनिवर्सिटी का। तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। अगर आप कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आना चाहते हो या आने वाले हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कैसे हो ब्रदर? बस बढ़िया, आप बताइए। मैं तो बढ़िया हूँ ब्रदर, कैसे है? तो क्या सीन है ये इसका, ग्लासगो कैलिडोनियन? ये मेन बिल्डिंग यही है क्या? मेन बिल्डिंग यही है। ओके। और इसके साथ सारी बिल्डिंग इंटरनली कनेक्टेड है। ओके। तो ये जो फर्स्ट वाली बिल्डिंग है एनिलिनॉक्स बिल्डिंग, एनिलिनॉक्स ये है। हाँ, ये वाली बिल्डिंग स्पेशली सारे क्लासेस मैनेजमेंट कोर्सेस, ओके, इंटरनेशनल मैनेजमेंट का है, MBA का है, फिर कोई भी फाइनेंस अकाउंटिंग जितने भी सारे कोर्सेस है वो ये बिल्डिंग में लिए जाते हैं। ओके। ज़्यादातर इनके ऑफिस प्रोफेसर यहीं पे रहते हैं। अच्छा। और ये वाली है, ये ब्रिटानिया बिल्डिंग, ये सब डीन ट्रस्टीज उनकी है, ट्रस्ट वगैरह की। अच्छा। तो वो उसके लिए है। हाँ। और ये वाली रिसर्च फैसिलिटी है, रिसर्च फैसिलिटी और फाइनेंस वाले यहाँ पे बैठते हैं। ओके। जो यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स वगैरह देखते हैं। हाँ। और ये जो सामने है वो लाइब्रेरी है। अच्छा, ये कौन सी कितनी है बड़ी लाइब्रेरी? ये लाइब्रेरी 4 फ्लोर की है, अंदर भी है। हाँ, मतलब ग्राउंड फ्लोर। हाँ। वहाँ पे नॉर्मल ओपन एरिया है। हाँ। सोफाज है, काउच है। ओके। और एक साइड पे उन लोगों का इंक्वायरी डेस्क है। हाँ। पीछे ओपन एरिया है सेटिंग का, उन लोगों ने टेबल्स लगा रखे है। ओके। सारी चीज़ें फैसिलिटीज दे रखी है, अगर उनको ओपन में बैठना है स्टूडेंट्स। हाँ। को। हाँ। तो बैठ के स्टडी कर सकते हैं। ओके। ऊपर फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे कंप्यूटर्स दिए हुए उन लोगों ने, वाले ऊपर यहाँ पे ना। हाँ, फर्स्ट सेकंड। हाँ। ये वाला है वो ही पूरा एक ही है, ग्राउंड का ही है। ओके। हाँ। पर फ्लोर्स चालू होते हैं पीछे। हाँ। जो ये राउंड है ना। हाँ, हाँ, हाँ। वो अच्छा, पूरा लिफ्ट है। बड़ी जो बिल्डिंग है वो पूरी लाइब्रेरी। हाँ, लाइब्रेरी है। ओ, ओके, नाइस। जा सकते हैं हम लोग? हाँ, हाँ, जा सकते हैं। लाइब्रेरी आज खुली है, ये सैटरडे। हाँ, बंद है। बंद हो गई। हाँ, बंद हो गई है। ओके, कोई सीन नहीं। लाइब्रेरी क्या ही दिखानी है, बस ये इतनी। लेकिन यार बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। हाँ, ज़्यादातर यही है कि इसमें थर्ड और फिफ्थ फ्लोर है वो बेस्ट है स्टडी करने के लिए। अच्छा, क्यों? जहाँ तक मैंने 2 सेमेस्टर यहाँ अभी निकाले। हाँ। तो मतलब 1 साल हो गया? नहीं, 7 महीने, 7.5 महीने। ओके ओके। हाँ। तो मैंने 2 सेमेस्टर यहाँ पे निकाले। हाँ। और वो जो थर्ड और फोर्थ फ्लोर है वो साइलेंट है। ओके। स्टडी के लिए भी अच्छा है। हाँ। जब भी एग्जाम्स आती है ये लोग 24/7 लाइब्रेरी कर देते हैं। ओके। हाँ। तो हम कभी भी आके पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ। पूरी रात भी रह सकते हैं, मैं भी यहाँ पे रुका हूँ, कोई सिक्योरिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग सपोर्ट करते हैं। हाँ। तो वो चीज़ में बहुत अच्छा है इन लोगों का। ओके। और अभी ये जो बिल्डिंग्स है ये दो, ये सारी लाइब्रेरी? ये है, ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे नीचे कैंटीन है। ओके, ये। हाँ, ये कॉमन एरिया कैंटीन का है, पूरा का पूरा। हाँ, ये। हाँ, हाँ, हाँ। पूरा का पूरा अंदर बैठने का दिख रहा है। हाँ, हाँ। तो अंदर पूरा का पूरा बैठने का एरिया है। हाँ। तो ये भी बहुत अच्छा है, इन लोगों ने सारी मशीनें लगा रखी है, वेंडिंग मशीन्स वगैरह, अगर हमें कुछ डायरेक्ट रेडीमेड लेना। हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। तो भी सारी चीज़ें अवेलेबल है। ओके, हाँ। और ये कौन सी बिल्डिंग है, ये सामने वाली? ये मेन एंट्रेंस बिल्डिंग है, इसमें सारे प्रोफेसर्स के ऑफिस है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। हाँ। तो ये बिल्डिंग है जॉर्ज मोर बिल्डिंग। Okay. और ये ऊपर से पूरी की पूरी वही है बिल्डिंग। अच्छा, ऊपर इसके भी ऊपर? हाँ, वो ऊपर 8th फ्लोर तक है। ओके। हाँ, हाँ। तो ये सारा का सारा इंजीनियरिंग का ही है, ये पूरा इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट। हाँ। है। ओह, ओके। ये मेरा अड्डा है। अच्छा, तुमने इंजीनियरिंग का कोर्स किया? हाँ, मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। कौन सी इंजीनियरिंग? मैं MSc इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ओह, नाइस। नहीं, इतनी अच्छी नहीं। तो कैसी है यूनिवर्सिटी, कैसी है? एक हिसाब से अगर एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट सोचो। हाँ। कि आप जितनी फीस पे कर रहे हो। हाँ। उस हिसाब से मैनेजमेंट के कोर्सेज है, अकाउंटिंग के है, मेडिकल के है, उनके लिए ये यूनिवर्सिटी अच्छी है। पर इंजीनियरिंग के लिए IT में ज़्यादा अच्छी है। हाँ। क्योंकि इनका डायरेक्ट प्लेसमेंट्स होता है। ओके। पर मैंने बाकी कोर्सेज के लिए अच्छे रिव्यूज़ नहीं सुने। हाँ। इवन मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए भी नहीं सुने। हाँ। पर एट दी एंड ये लोग पास कर देते हैं अगर कहीं पे अटक रहा है स्टूडेंट तो। ओके। हाँ। तो रिव्यूज अच्छे नहीं है लेकिन? नहीं, इतने ज़्यादा नहीं आए क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादातर यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ। क्योंकि तो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है ऐसा बोलोगे तुम? नॉर्मली नहीं है।
बिलो बोलूँगा। और इसकी रैंकिंग वगैरह क्या आती है? इसकी रैंकिंग जब मैं यहाँ पे आया था उससे पहले अबव 600 थी। ओके मतलब यूके में जो टॉप आती है स्ट्रेटलाइट ग्लासगो उसके 50-60 रैंक नीचे। ओके मतलब सेम ट्रस्ट है यूके में 600 की वर्ल्ड रैंकिंग में 600 वर्ल्ड रैंकिंग में 600 के अंदर। ओके पर ये जो ट्रस्ट है इन सब का वो सेम ही है क्योंकि जहाँ तक एसोसिएशन है यहाँ पे आगे तो उन लोगों ने लिखा है कि तीनों यूनिवर्सिटी का एसोसिएशन सेम है। हाँ। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहा है हाँ। तो वो कोई भी यूनिवर्सिटी में जाके स्टडी कर सकता है, कुछ भी यूज़ कर सकता है। ओके तो इन लोगों ने ओपन एक्सेस दी हुई है। हाँ। तो ये अभी हमारे जो आगे वो क्या है? ये वाली है वो मेडिकल बिल्डिंग है गोवान मैबी की। कौन सी वाली? गोवान मैबी की। कौन सी वाली? ये वाली। हाँ ये वाली। अच्छा। राउंड वाली मेडिकल बिल्डिंग है। हाँ मेडिकल, ये पूरी की पूरी ये वो और वहाँ से पीछे पूरा एल करके है। ओके हाँ हाँ हाँ। तो ये पूरी की पूरी मेडिकल बिल्डिंग है। इनके पास कैंसर रिसर्च का भी है। हाँ। आई का भी है। हाँ। मतलब काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स है। फिजिकल फिजियोथेरापी का भी है, सब कुछ है। और ये आर्क है, स्टेडियम है, स्पोर्ट्स सेंटर है। हाँ स्पोर्ट्स सेंटर बेसिकली। जिम वगैरह इधर ही होगा सब कुछ। हाँ ये जिम है। हाँ। दो फ्लोर का, एक ग्राउंड फ्लोर है। हाँ। और ये फर्स्ट फ्लोर। ओके और उसके पीछे बैडमिंटन वगैरह सब कुछ। हाँ ये मतलब पूरा स्पोर्ट्स सेंटर इसी में सब कुछ पूरा पूरा। ओके ओके। और ये वाला पहले बिल्डिंग यूज होता था। हाँ। पर लास्ट टाइम ये रजिस्ट्रेशन के लिए यूज हुआ था। ओके बाकी नॉर्मली ये यूज नहीं होता है, बंद ही रहता है। तो ये यूज नहीं होता अभी ज्यादातर, ये वाला हिस्सा यूज नहीं होता, वो वाला तो अभी भी चल रहा है। तो ये वाला भी हिस्सा अभी ज़्यादातर यूज़ नहीं है। जब हम इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं ना। हाँ। तो यूजुअली वो लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उन लोगों का। बीआरपी इसी बिल्डिंग में। हाँ हाँ। तो बीआरपी लेने के लिए इधर आना, तुमको यहाँ पे आना है। हाँ। और ये जो सीन है ये साइकिल रखने का ना, ये स्टैंड। हाँ ये लोगों ने प्रोवाइड किया है साइकिल रखने का स्टैंड, लॉक भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। और ये लोग काउंसिल में अगर आपकी जो भी बाइक्स है उनका ई बाइक्स है उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ओह नाइस। उसका क्या मतलब है, क्यों करते पर ऐसा? वो इसलिए करते क्योंकि ये सिटी सेंटर वाला एरिया है। अगर इनकी कहाँ पे चोरी होती है या कोई इनकी बॉक्स में प्रॉब्लम आता है तो काउंसिल वाले शायद कहीं से हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि यूजुअली जब भी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन या बाइक्स का रजिस्ट्रेशन कुछ होता है तो वो लोग यहीं पे मेन एंट्रेंस पे ही आते हैं। वहाँ उनके साथ पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई आपके पास है कुछ बाइक्स तो रजिस्ट्रेशन करवा लो। ई बाइक्स? हाँ ई बाइक्स। ओके तो ई बाइक्स क्योंकि वो स्टूडेंट्स है, कोई भी स्टूडेंट हो अगर कम्यूट कर रहा है बाइक से तो यूनिवर्सिटी के पास भी रिकॉर्ड है कि भाई हाँ देखो इतने स्टूडेंट आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में होता है कि साइकिल टू वर्क होता है तो ये लोग साइकिल तो स्टडी करते हैं या इवन यहाँ के प्रोफेसर भी आते हैं ऐसे साइकिल टू वर्क यूज़ करके बाइक्स वगैरह। तो अच्छा ये चीज़ है। अच्छा है। ओके फिर आगे ये ख़त्म हो गया ना अभी? ये बस एसोसिएशन है पूरा, तीन फ्लोर का पूरा एसोसिएशन है, स्टूडेंट यूनियन जैसे। ओके हाँ। क्या होता है लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन? एक एडवाइस सेंटर है जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ। तो वहाँ पे अगर आपको किसी भी चीज़ की एडवाइस चाहिए। हाँ। जैसे कि भाई आपको अकोमोडेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ। आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ। तो अगर आप कहीं पे सब्जेक्ट पर अटक रहे हो, आपके प्रोफेसर को आप नहीं बोल सकते पर आपको कोई अलग से गाइडेंस चाहिए तो यहाँ पे आके बोल सकते हैं। ओके तो ये बस यहाँ पे ये तुम्हारा कैंपस। हाँ, खत्म हो जाता है। और पीछे रियूनियन बार एंड ग्रिल है, मतलब अगर छोटा मोटा गेट टुगेदर करना है, ड्रिंक लेनी है दोस्तों के साथ तो ओपन बार है। हाँ ऊपर। हाँ, इसके पीछे। हाँ, हाँ, वो लिखा हुआ है। हाँ। स्ट्रेट एंट्रेंस है। हाँ, हाँ, जा सकते हैं। और ऊपर जो है वो यूनिवर्सिटी के फुल टाइम ऑफिसर्स बैठते हैं एसोसिएशन के, स्टूडेंट के इलेक्टेड मेंबर्स जो प्रेसिडेंट वगैरह। हाँ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हर एक स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर कभी भी स्टूडेंट को कोई भी हेल्प चाहिए वहाँ पे जाके बोल सकता है। okay. और होपफुली हम जब ज्वाइन हुए थे तो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट हमारे इंडियन थे तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी भी स्टार्ट किए तो हम वो भी प्रमोट करते रहते हैं। अच्छा। उसका इवेंट्स भी करके रहते हैं। तो कैसी चल रही है मतलब सोसाइटी वगैरह तुम्हारी? बाकी अभी अच्छी चल रही है। ओके okay. और क्या बेनिफिट्स होते हैं स्टूडेंट को जब वो सोसाइटी ज्वाइन करते हैं या ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं यूनिवर्सिटी में, क्यों करना चाहिए, क्या मतलब क्या बेनिफिट्स है? ये जब भी हम इंटरनेशनल स्टूडेंट घर से बाहर आते हैं तो हमको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बंदे के पास खुद का ग्रुप होता है जो साथ में इंटरनेशनल कंट्रीज में मूव होता है तो हर बंदा कहीं ना कहीं अकेला होता है।
तो हम यही चाहते हैं कि अगर वो बंदा हमसे जुड़ता है तो हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि भाई वो मेंबर है या हमको वो सोसाइटी में ज्वाइन होके फीस पे कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, हमने सोसाइटी में कोई फीस नहीं रखी, इवन एसोसिएशन में भी कोई फीस नहीं रखी। हमने अभी तक जितने भी हमारे फेस्टिवल एंजॉय किए उसका भी कोई भी एंट्रेंस फी नहीं लिए, कोई भी चार्जेस नहीं है। फूड भी प्रोवाइड किया है तो भी स्पॉन्सर्स लेके प्रोवाइड किया है, क्योंकि हमने दिखाया कि हम अपने फेस्टिवल अपने लोगों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। तो हम ये बेनिफिट देते हैं, हमको ये बोलते हैं कि अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है हमारे पास आओ, हम सॉल्व करेंगे। और हमने सभी जगह से स्टार्टिंग से कनेक्शन बनाना स्टार्ट किया था कि भाई एसोसिएशन है, मेन एंट्रेंस के जो ऑफिसेस है तो वहाँ पे फाइनेंस वाले, फंडिंग वाले, रजिस्ट्रेशन वाले जितने भी लोग बैठते हैं उनको पूछा क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। इवन वीज़ा टीम भी बैठती है तो वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशन डालते रहते हैं ऑनलाइन भी और हम पढ़ते रहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट आता है कि भाई मुझे ये क्वेरी है और अगर उसने नहीं पढ़ा है तो बोलता है भाई मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या करूँ मैं, हम डायरेक्टली बोल देते हैं यार भाई तू ये कर उस हिसाब से। अच्छा, और बाकी जैसे तुमने बोला कि इतना सर्विस वगैरह, सपोर्ट सर्विस इतना अच्छा नहीं है, तुमने बोला स्टाफ वगैरह, स्टाफ कैसा है जेन्युइनली, स्टाफ कैसा जेन्युइनली? यूरोपियन टीचर्स जो है, प्रोफेसर है, वो समझते हैं कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, हमको काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से समझाते हैं कि पढ़ाते हैं कि भाई हमें ऐसे करना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है 10 बार आओ 20 बार आओ, फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट जाते समझते। और जो प्रोफेसर्स यहाँ के लोकल है उन लोगों के लिए हम सिर्फ पैसे छापने की मशीन है तो वो जेन्युइनली सेइंग, अच्छा वो ध्यान नहीं देते तुम पे, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे लोकल जो टीचर्स हैं यहाँ के। हाँ, लोकल टीचर्स वो तुम बिल्कुल ध्यान नहीं देते स्टूडेंट पे, ज़्यादा दर नहीं देते। अच्छा, जहाँ तक मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे, एक दो बार बता दिया आपको समझ में आया ठीक है, अगर आपने एक बार रिप्लाई दिया तो ठीक है। ओके, तो अच्छा, तो तुमने जैसे बोला कि मतलब सपोर्ट इतना कुछ अच्छा नहीं है, टीचर भी ठीक ठाक है, इतने कुछ खास नहीं है, तो सब खुद से ही करना पड़ता है इसका मतलब? हाँ, ज़्यादातर स्टूडेंट खुद से ही करते हैं। फिर अभी खुद से करने में प्रॉब्लम ये आता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं क्योंकि वो लोग इंडिया में कुछ और बैचलर्स करके आए होते हैं, उनका स्टडी चेंज हो जाता है, कोर्सेज चेंज हो जाता है। और इंडिया में तो स्पून फीडिंग होती है, ये सब होता है कि तुम्हें सारे प्रोफेसर इतने बार समझाते हैं, हजार बार, नहीं तो दोस्त समझा देते हैं, कुछ ना कुछ होता है। यहाँ पे सब अपनी अपनी लाइफ की रेस में दौड़ रहे हैं, सब अपना अपना समझ रहे हैं ना, वो सीन। बट यहाँ एक चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पे यहाँ के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है उसमें ज़्यादातर नाइजीरियन पीपल है और जो स्मार्ट है तो वो लोग, उनको पता है कि वो लोग और हम लोगों की कंट्रीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो लोग समझाते हैं भाई मैं तेरे क्लास में हूँ, अगर आप वहाँ से आए हो और मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे आके पूछूंगा ना, वो समझाएंगे कि हाँ। तो मतलब ऐसी कम्युनिकेशन यहाँ पे बनी हुई है कि इंटरनली इंटरनेशनल स्टूडेंट कहीं से भी आए हो वो लोग सपोर्ट करेंगे। ओके, सही बात है, एक अच्छा है वो। और तो कुछ अभी कोई टिप्स आपको देना है, या जो अभी जो स्टूडेंट्स आएंगे कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, उनका एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या जो कोर्सेज है, कुछ ऐसे कोर्सेज है जो अच्छे है या जो कुछ कोर्सेज है बुरे हैं, ऐसा कुछ? एक दो बेस्ट कोर्सेज है वो वर्ल्ड वाइड, कहीं पे भी यूके में आओ बेस्ट ही है, एमबीए का कोर्स, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूल्स से स्टडी है उसमें, ठीक है, तो वो आप इजीली स्टडी करके पास कर लोगे। रिसर्च ये है, अगर आपके पास अच्छा वाला सिंपल सा भी लैपटॉप है आप रिसर्च कर सकते हो, तो वो सिंपल वाली चीज़ है, वो एमबीए कर सकते हो आप। दूसरा है फिजियोथेरापी यहाँ पे, ओके, वो मेडिकल स्कूल जो आपने, हाँ मेडिकल स्कूल बताया, फिजियोथेरापी यहाँ पे बेस्ट है। ओके, और फिजियोथेरापी में जब मैं एंटर हुआ था यहाँ पे सितंबर इंटेक में, तब जितने भी इंडियन स्टूडेंट थे उसका 80% कवरेज फिजियोथेरापी था। ओके, और फिजियोथेरेपी की फीस पता आपको क्या है? हाँ, अभी यहाँ पे फिजियोथेरेपी की फीस है 17,500 पर ईयर, एक साल का ही होता है मास्टर्स? अच्छा, एक साल का ट्राइमेस्टर होता है। अगर आप सितंबर में आते हो तो सितंबर से ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है। ओके, ट्राइमेस्टर ए बी और अभी ट्राइमेस्टर सी, और आप सितंबर में पास आउट हो जाओगे। अगर जनवरी में आते हैं तो 3.5 महीने का आपको समर वेकेशन मिलेगा जिसमें स्टूडेंट्स फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, 40 आवर्स। तो फिजियोथेरेपी कैसा है, मतलब यहाँ का अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसके बाद स्कोप वगैरह कैसा, मतलब जॉब वगैरह मिल जाती है, अपॉर्चुनिटीज कैसी? इवन मैंने यहाँ पे मेरे दोस्त वगैरह जो फिजियोथेरेपी में स्टडी करते हैं उनमें से एक बंदे का अगर आपको मैं रिव्यू दूँ तो उसको अभी टीयर 2 का ऑफर भी आ चुका है, स्पॉन्सरशिप का। हाँ, नाइस। सिर्फ उसने 2 सेमेस्टर कम्प्लीट किए और उसको ऑफर आ गया। ऑफर आ गया। अच्छा,
क्योंकि उसने यहाँ से फिजियोथेरेपी की है. हाँ. तो फिजियोथेरेपी ऑल ओवर यूके में भी अच्छा मतलब रिस्पांस मिल रहा है मैंने जितना सुना है. आई नो. और काफी सारे लोग आना भी चाहते हैं इंडिया से. और इवन इंडिया से अगर आप कर रहे हो तो IELTS दो, HCPC रजिस्ट्रेशन करवाओ. भले ही आप यहाँ पे यूके में हो या ना हो, HCPC रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होता है. ओके. सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होती है. HCPC रजिस्ट्रेशन इन लोगों के लिए होता है जो भी फिजियोथेरापी का वीज़ा लेना चाहते हैं, तो वैसे रजिस्टर्ड आ जाते हैं कि भाई मैं फुल्ली क्वालिफाइड हूँ यूके में फिजियोथेरापिस्ट बनने के लिए. उसका समवेयर अराउंड 1000 pounds रजिस्ट्रेशन फीस होता है. और आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं. ओके. और मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, पर मैं आपको लिंक सेट कर दूंगा. चलेगा. हाँ. आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देना. और जितने भी लोग रजिस्टर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. तो बेसिकली फिजियोथेरेपी के लिए अच्छा ही है. हाँ. बिजनेस स्कूल अच्छा है इसका, मार्केटिंग वाला ये सब. हाँ. वो अच्छा है. तो ये दो चीज़ें अगर तुम करना चाहते हो तो कैलिडोनिया ना हो, बाकी इंजीनियरिंग वगैरह इतना नहीं. इंजीनियरिंग के लिए अगर आपको जाना है, IT इंजीनियरिंग पकड़ लो या डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सैटेलाइट इज द बेस्ट. अच्छा. हाँ. They have really good response. They have highest technologies. उसका professor response भी अच्छा है. तो वो बहुत अच्छा है. नहीं, कैलेडोनियन तो अभी हम लोग यही दो ही कोर्स है ना अभी फिलहाल. हाँ, जो अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं. हाँ. बाकी कोर्सेज के लिए अगर आप कैलेडोनियन से पाना चाहते हो, सस्ता है क्या कैलेडोनियन? बाकी कोर्सेज कितने, कितना फीस होता है नॉर्मली? पहले सस्ता था, अभी थोड़ा अभी बढ़ गया है. अभी तो सारे सेम एज अभी फीस क्या है कि स्ट्रेटक्लाइड और ये यूनिवर्सिटी का फीस कंपैरेटिवली 20% लेस है. ओके. उससे ज़्यादा नहीं है. ओके. पर पहले कम था. व्हेन आई केम इट वाज समवेयर अराउंड 13,000 pounds. अभी 17,000 हो चुका है. 4,000 बढ़ गया. सिर्फ 8 मंथ्स में. दो इंटेक गए अभी सिर्फ उसमें इतना बढ़ गया. तो ये था कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी और कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी का टूर. ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी थी नहीं, छोटी सी यूनिवर्सिटी थी और जितना कवर कर सकते कर लिया. और जितनी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन जितनी बड़ी दिखती है उतनी है नहीं. उतनी नहीं है बड़ी. ये रियलिटी में आपको दिखाया एकदम रियल टाइम कि ये है और इतनी बड़ी नहीं है. बस इतनी थी जितनी दिखाई उतनी थी. लाइब्रेरी के अंदर वगैरह नहीं गए किसी चीज़ के, बस सारे सेम ही होते हैं. तो अगर आपको आना है तो आ सकते हो. दो ही कोर्स अच्छे हैं, बाकी कोर्स के लिए आपको कंसीडर नहीं करनी चाहिए. सिर्फ अगर दिहाड़ियाँ लगाने काम करने आ रहे हो तो आ जाओ, नहीं तो फिर देख लो तुम्हारी मर्जी है. बाकी दिहाड़ी भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो भी आपके ऊपर है. अभी तो अभी तो वही रश है कि पार्ट टाइम जॉब मिलना भी मुश्किल हो चुका है. सही बात है. तो ये था हमारा वीडियो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी का. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. और इंस्टाग्राम पर मैं एक्टिव रहता हूँ, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो. तो थैंक यू स्मिथ. थैंक यू निशान भाई. ओके. थैंक यू. बाय बाय.